आज हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर्स, अदानी ग्रीन, अदानी इंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन की। और साथ में फ्रेंड्स, एक बड़ी बुरी खबर निकल कर आई है इस ग्रुप के लिए, और क्या है वो बुरी खबर उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है इन शेयरों पर। और आज बाज़ार में गिरावट थी और उसकी वजह से इन शेयरों में भी गिरावट हुई, अदानी ग्रुप के शेयरों में भी लगभग गिरावट थी, लेकिन बड़ी गिरावट नहीं थी और इस गिरावट के पीछे वजह थी बाज़ार के अंदर गिरावट। लेकिन बाद में जो शाम को न्यूज़ निकल कर आई है उसका इफेक्ट आने वाले समय में पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा झटका लगा इस ग्रुप को। तो क्या है वो न्यूज़, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या संभावना बन रही है इन शेयरों की, क्या इनमें निवेश बनाए रखना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, काफ़ी ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है, आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं, किस स्टॉक में कितनी तेजी बनी और आगे क्या संभावना है। तो सबसे पहले आज सेंसेक्स में गिरावट हुई है, बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हुई, यानी 52,549 पर 185 पॉइंट की गिरावट हुई है सेंसेक्स के अंदर, और इसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट हुई। तो सबसे पहले अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 717 पर, हाई बनाई 723 की और लो है 709 का, लेकिन एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 711 पर, करीब 0.66% डाउन पर, तो लगभग फ्लैट है, बड़ी गिरावट नहीं है। अदानी पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 119 पर, हाई दिन भर की यही है 119 की, लेकिन लो बनाया 116 का और एंड में जो क्लोजिंग आई वो लो की तरफ ही है, यानी 116.50 पर 1.44% डाउन पर क्लोजिंग आई है, तो थोड़ी सी गिरावट हुई है सेंसेक्स के हिसाब से। अदानी ग्रीन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1120 पर, हाई बनाई 1145 की और लो है 1100 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 1120 पर, करीब 0.013% अप पर, यानी नॉर्मल अप है, नहीं के बराबर है, फ्लैट क्लोजिंग है यहाँ पर भी। अदानी इंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1526 पर, हाई बनाई 1548 की और लो है 1513 का और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 1523 की, करीब 0.14% डाउन पर, तो बड़ी कोई गिरावट नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पर भी है। अदानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1073 पर और हाई भी यही है और लो भी, यानी 5% का सीधा लोअर सर्किट लगा है अदानी टोटल गैस में, यही एक अकेला स्टॉक है जिसमें डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा है। अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1164 पर, हाई बनाई 1199 की और लो है 1101 का और एंड में जो क्लोजिंग आई वो है 1134 पर, करीब 2.16% डाउन, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी गिरावट है और अदानी टोटल गैस में तो लोअर सर्किट लगा, बाकी जो स्टॉक थे वो मजबूत थे, उनमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं बनी है। लेकिन जो न्यूज़ निकल कर आई है वो बाद में आई है और उसका इफेक्ट कल देखने को हमें मिल सकता है। तो जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को अदानी रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर प्लांट के लिए आवंटित जमीन के मामले में फैसला सुनाया। ये पहले से पेंडिंग मामला था। इसमें पोखरण तहसील के नैदान गाँव में 6,115.6 बीघा में से 15 बीघा ज़मीन के अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया है कोर्ट ने। साथ ही सरकार को 4,500 बीघा के रिव्यू का निर्देश भी दिया है। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर लोढ़ा की खंडपीठ ने यह आदेश अपीलकर्ता बरकत खान व 23 अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिया है। अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 1,500 बीघा पब्लिक यूटिलिटी की लैंड थी, इसका अलॉटमेंट कैंसिल किया गया है। सरकार को कहा गया है कि जो भी वहां पर रह रहे हैं उनकी ढाणियों और उनकी जमीन के जाने तक के रास्ते की व्यवस्था किए बिना कोई भी प्रकार का अलॉटमेंट न बहाल किया जाए, यानी जो लोगों के पहले से ऑलरेडी वहाँ रह रहे उनके लिए पहले व्यवस्था की जाए, उसके बाद में ये अलॉटमेंट किया जाए। आगे निर्देश दिए गए कि पूरे क्षेत्र का डिटेल सर्वे किया जाए, वहाँ के लोगों की व्यवस्था को देखा जाए, इसके बाद वहाँ कोई ज़मीन रहती है तो उसका डिटेल रिव्यू का करके उनको अलॉट किया जाए। अलॉट सरकारी ज़मीन में से ढाणियों के रास्ते के लिए डिटेल सर्वे हो, तो मतलब लोगों के लिए जो रास्ते के लिए जो अलॉटमेंट है वो पहले किया जाए, वहाँ से अगर कोई ज़मीन बचती है तो फिर सरकार उसको अलॉटमेंट करने के बारे में सोच सकती है। 8 सितंबर 2020 को सरकारी वकील एडिशनल एडवोकेट जनरल रेखा बोराना ने कुछ समय बहस करने के बाद सरकार से अपने इंस्ट्रक्शन पूरे करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की थी। इस पर खंडपीठ ने विवादित जमीन पर
एजी बोरान की ओर से अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद यथास्थिति रखने के लिए आदेश जारी किए थे। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 29 सितंबर 2020 तय की थी। अक्टूबर से जनवरी के बीच कई बार सुनवाई हुई और इस मामले में जनवरी में आदेश को सुरक्षित रख दिया गया था। राजपुरोहित ने कहा है कि जैसलमेर कलेक्टर ने 11 जनवरी 2018 को अदानी रिन्यूएबल एनर्जी को सोलर पावर एनर्जी प्लांट की स्थापना के लिए 6,115.6 बीघा जमीन दी थी। यह जमीन पोकरण तहसील के नैदन गांव की है और अपीलकर्ताओं ने डीएम के आदेश को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 27 नवंबर 2019 को अपील को खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में गए। इसके बाद में इनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। सुनवाई में अन्य प्राधिकरण की ओर से कुलदीप माथुर, धीरेंद्र सिंह सोड़ा, श्रेयांश मरडिया व विपुल धारणिया ने पैरवी की थी। तो इस तरह से एक बड़ा झटका लगा है अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि उनको जो अलॉट की गई राजस्थान में जमीन, उस जमीन को कोर्ट की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है और इस वजह से एक निगेटिव माहौल बन गया है अदानी ग्रुप के लिए। लेकिन ये एक सरकारी मामला है और इसमें कोई बड़ा उसको मुंह में मुद्दा उठाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जमीन के जो मामले होते हैं वो विवादित होते ही है और उसका टाइटल क्लियर होने के बाद में ही अलॉटमेंट होती है। तो इसकी जो भी आगे प्रोसेस होगा उसको फिर से किया जाएगा और बड़ी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन एक बार माहौल निगेटिव बन जाता है ऐसी न्यूज़ की वजह से, तो इसकी वजह से थोड़ा माहौल बना है। लेकिन फिलहाल अदानी ग्रुप के शेयरों में बहुत ही शानदार मूवमेंट बना हुआ तेजी का, फिलहाल करेक्शन के मोड में है। जब से ये रूमर फैला कि 3 विदेशी कंपनियों ने फर्जी निवेश किया हुआ है एक ही एड्रेस के ऊपर, उन्होंने सब कारोबार अपना सेट किया हुआ है, उसकी वजह से माहौल गिरावट का बना है। लेकिन अब फिर से एक तेजी बनेगी इन शेयरों में, जैसे ही बाजार ने साथ दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा तेजी में आने वाले हैं। तो इस समय निवेश के लिए अच्छे स्टॉक लग रहे, अदानी पावर में आप निवेश कर सकते हैं इस लेवल पर, अदानी ग्रीन भी बहुत अच्छा लग रहा है, साथ में अदानी पोर्ट में भी निवेश किया जा सकता है क्योंकि उनको अब लगातार उनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। और फ्रेंड्स अदानी इंटरप्राइज भी बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है निवेश के लिए, तो इनमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, क्योंकि बाजार में कभी भी करेक्शन का दौर आ सकता है। तो इस समय अगर आप ऊपर के लेवल से अगर फंस जाते हो एवरेज भी कर सकते हो। फ्रेंड्स अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर लोगों की राय दो ग्रुप में बटी हुई है। एक ग्रुप कहता है कि इन शेयरों में बहुत ज़्यादा तेजी बन चुकी है और कभी भी भयंकर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि पिछले एक साल से अदानी ग्रुप के शेयरों ने जबरदस्त बंपर रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर बड़ा करेक्शन आ सकता है। परंतु जो दूसरा ग्रुप है वो ये कहता है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में वाकई बहुत तेजी आगे बाकी है, क्योंकि अदानी ग्रुप के कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उनके जो ग्रुप है उसमें इतना माहौल तेजी का बना हुआ है कि ये तेजी बहुत कम है और काफ़ी अच्छी इसमें और तेजी की संभावना बन रही है। तो उस ग्रुप का कहना है कि अभी भी इस लेवल पे निवेश किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बाकी है और आएगी बड़ी तेजी। तो इस तरह से दो ग्रुप में डिवाइड हुए और उनके विचार अलग अलग है। एक का जो कहना बिल्कुल है कि इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि यहाँ पर निवेश का मौका बनता है। तो आप भी अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।